गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स मी शाहाना परवीन, योर साइंस टीचर, हियर टू कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक द रेस्पिरेटरी सिस्टम। गाइस, मैं आपको इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। हमने उससे पहले क्या पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा है हमने, नर्वस सिस्टम पढ़ा है हमने, वास्कुलर सिस्टम पढ़ा है हमने और स्केलेटन सिस्टम। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट डील्स विद ब्रीदिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा सिस्टम है हमारी बॉडी का जो ब्रीदिंग के साथ डील करता है, ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, द बॉडी टेक्स इन द ऑक्सीजन दैट इट नीड्स एंड रिमूव्स द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इट डज नॉट नीड। तो हमारी जो बॉडी है वो ऑक्सीजन लेती है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है एंड रिमूव्स कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है। फर्स्ट द बॉडी ब्रीथ्स इन द एयर, सबसे पहले जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम स्टार्ट करें तो उसमें हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हमारी बॉडी ब्रीथ करती है इन द एयर विच इज सक्ड थ्रू द नोज और माउथ, ठीक है। जो एयर में हम सांस लेते हैं तो एयर सक्ड करती है हमारी नोज और माउथ के थ्रू, एयर सक्ड की जाती है एंड डाउन थ्रू द ट्रेकिया, और ट्रैकिया के थ्रू नीचे की ओर जाती है। कहाँ नीचे की ओर कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। द ट्रैकिया इज़ अ पाइप, हमारा जो ट्रैकिया है गाइस ये एक पाइप है शेप्ड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये कार्टिलेज कि जो रिंग्स होते हैं उनका बना होता है, उसी तरह की उन्हें शेप मिली हुई होती है हमारे पाइप को, वो इसलिए है गाइस। कार्टिलेज क्या होती है पहले तो आप ये समझ लीजिए, कार्टिलेज सॉफ्ट बोन्स को कहते हैं, जो सॉफ्ट हड्डियां होती हैं इजीली टू मूव, ठीक है, जिसे हम इजीली मूव कर सकें। इस टाइप की हड्डियाँ जो होती हैं सॉफ्ट होती हैं, बिल्कुल टूट भी ईजिली जाती हैं, उन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं। तो उन बोन्स का रिंग्स बने होते हैं बहुत सारे, जिस पे हमारा जो क्या ये ट्रैकिया है उस पर शेप उसी की शेप का होता है। इट डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंका। ये जो हमारा ट्रैकिया है गाइस, जिसे हम विंड पाइप कह रहे हैं, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है नीचे आकर, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। दीज कैरी एयर इनटू ईच लंग्स, और ये जो ब्रोंकाई हैं ये दोनों लंग्स में जाते हैं, और ताकि हवा जो हमने विंड पाइप से ली है वो कहाँ वो होती हुई विंड पाइप से होती हुई ये ब्रोंकाई के थ्रू लंग्स में पहुँच जाए। इन साइड द लंग्स द ट्यूब्स डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स। लंग्स के अंदर जो ये ट्यूब हैं और ज़्यादा जाके डिवाइड हो जाती हैं स्मॉलर ट्यूब्स में, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है गाइस। पहले ट्रैकिया ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ, फिर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, और ज़्यादा ब्रांचेस निकल गए उसमें तो हमने उन्हें कहा ब्रोंक्यूल्स, उनमें डिवाइड हो जाती है। एट द एंड ऑफ ईच ऑफ दीज ट्यूब्स आर स्मॉल, अब ये जो बारीक बारीक ट्यूब्स थी इनके लास्ट में जाके क्या है गाइस, स्मॉल एयर सैक्स कहते हैं हम उन्हें, कॉल्ड एल्वियोलाई हो जाती है। एल्वियोलाई क्या है गाइस, ये जैसे ग्रेप्स के आप गुच्छे टाइप समझ लीजिए, ऐसी स्ट्रक्चर होती है इनकी, ठीक है, विच आर स्मॉल ब्लड वेसल्स। एल्वियोलाई होती है एल्वियोलाई, फिर उसके बाद क्या होता है, कैपिलरीज विच आर स्मॉल ब्लड वेसल्स विद थिन वॉल्स आर रैप्ड अराउंड दीज एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई है जो गुच्छे मैंने आपको बता रही हूँ ग्रेप्स के जैसे होते हैं, तो इनके चारों ओर क्या लिपटी होती हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स, बहुत बारीक बारीक ब्लड वेसल्स होते हैं जिन्हें हम कैपिलरीज कह रहे हैं, वो उनके चारों ओर होती है। वो इसलिए होती है ताकि ब्लड, क्योंकि ब्लड से ही चेंज होना है, ब्लड में ही हमारे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है, तो ब्लड ही तो करता है जो भी ट्रांसफ्यूजन वगैरह करता है, ठीक है। इन दिस वे, इस तरह से ऑक्सीजन सीप्स थ्रू इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इस तरह से जो ऑक्सीजन है वो सोख ली जाती है इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड स्ट्रीम सीप्स थ्रू इनटू द एल्वियोलाई एंड इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी व्हेन वी ब्रीद आउट। इस तरह से जो ब्लड कैपिलरीज है ये ऑक्सीजन का गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। द डायफ्रैगम इज द मसल्स दैट कंट्रोल्स द ब्रीदिंग प्रोसेस। डायफ्रैगमिक मसल्स का बना होता है, ये हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। एज द डायग्राम डायफ्रैगम फ्लैटन्स, जैसे ही डायफ्रैगम हमारा फ्लैटन हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, इट कॉजेज टू द चेस्ट टू एक्सपेंड। तो हमारी चेस्ट है वो एक्सपेंड हो जाती है एंड एयर इज सक्ड इन टू द लंग्स, और हवा लंग्स में भर ली जाती है। वैन द डायफ्रैगम रिलैक्सेज, जब डायफ्रैगम रिलैक्स हो जाता है, द चेस्ट कोलैप्स, हमारी चेस्ट कोलैप्स हो जाती है एंड द एयर इन द लंग्स इज फोर्स्ड आउट। हमारी जो हवा है, हम जो सांस हमने ली थी, ठीक है, बाकी क्योंकि सभी गैसेस हम अंदर की ओर सक कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर गैस ही हम छाट रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है गाइस, वो ऑक्सीजन को ट्रैप करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए सिर्फ वो ऑक्सीजन को पकड़ता है, बाकी सारी गैसेस जो हम ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बाहर आती है, ऐसे ही बाकी गैसेस जो हमने सक्ड इन की थी वो सब सक्ड आउट हो जाती हैं। देखिए गाइस,
कैसे हैं। ये नोज हमारा, माउथ, ये ट्राई क्या है, कार्टिलेज के रिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये दो लंग्स हैं हमारे, तो ट्राइकिया दो में डिवाइड हो गई, जिसे हमने ब्रोंकाई कहा, ब्रोंकाई और फाइन फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो गई, ठीक है, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स में आपको बताया था गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर होती है, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है आपको, बट आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। तो वहाँ पर क्या थी, हमारी ब्लड कैपिलरीज थी, जहाँ से ब्लड ब्लड में ऑक्सीजन और बाकी अदर गैसेस होती हैं, जो जिनका एक्सचेंज हो जाता है। ये डायफ्राम वो स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया अभी, जब ये फ्लैट हो जाता है तो चेस्ट, इसको लंग्स को जगह मिल जाती है और हवा भर जाती है। जब हवा निकलती है तो ये रिलैक्स्ड होकर अपनी इसी पोजिशन में आ जाता है, जिस पोजिशन में ये दिखाई देता है, ठीक है गाइज। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कॉल करके या फिर मैसेज करके। उसके बाद है गाइज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज द सिस्टम इन द बॉडी दैट कंटेन्स स्किन, लंग्स, किडनीज एंड देयर एसोसिएटेड ऑर्गन। दैट पर्पस ऑफ कोर्स इज टू एक्सक्रीट। एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा सिस्टम गाइज, ये सिस्टम वो सिस्टम है जिसके थ्रू हमारी जो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी से जो वेस्ट है वो बाहर निकलना होता है, उसका रोल एक्सक्रीटरी सिस्टम ही करता है। इसमें हमारी स्किन आती है, स्किन, आप सोचेंगे स्किन से क्या आप एक्सक्रीट कर रहे हैं, स्किन से आप स्वेट, पसीना हमारी बॉडी से बाहर आता है, राइट गाइज, वो भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ या नहीं हुआ। लंग्स, लंग्स से भी हम, मैंने आपको बताया कि हमारी जो गैसेस हैं, एक्स्ट्रा गैसेस वगैरह, ये हम रिमूव आउट करते हैं, या फिर हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको रिमूव आउट किया जाता है। तो वो नेक्स्ट हो गया गाइज लंग्स। उसके बाद किडनीज आती हैं, किडनीज और एसोसिएटेड ऑर्गन्स। किडनीज में देखिए द पर्पस ऑफ किडनीज में हम देखते हैं, द किडनी सर्व टू फिल्टर यूरिया फ्रॉम द ब्लड एंड ऑल्सो टू रीअब्सॉर्ब वाटर। हमारी किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है यूरिया को। यूरिया क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बनता है, ठीक है, फ्रॉम द ब्लड एंड ऑल्सो टू रीअब्सॉर्ब वाटर। वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर है हमारे यूरिया में, अगर हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर होता है किडनीज के थ्रू, तो उसके अंदर अगर वाटर ज़्यादा है तो उसे भी रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। जो सिंपल शुगर वगैरह, अमाइनो एसिड एंड सॉल्ट्स हैं, उन सबको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है किडनीज में। ऐसा नहीं है पूरा का पूरा बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रॉपर लेवल्स ऑफ दी सब्सटेंसेस इन द ब्लड। और ये जो हमारी किडनी है ये देखती है कि हाँ कितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है इन सब चीज़ों की, उतना ही रोकती है बाकी बॉडी से बाहर निकाल देती है। मोस्ट सब्सटेंसेस हैव ए किडनी थ्रेशोल्ड लेवल। मोस्ट सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो किडनी का एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, उस तक ही रहते हैं। वैन द लेवल ऑफ सब्सटेंस एक्सीड, अगर उस सब्सटेंस का जो लेवल है वो एक्सीड कर रहा है इट्स अपने थ्रेशोल्ड, एक जो पर्टिकुलर लेवल है उससे बढ़ रहा है किसी भी सब्सटेंस का लेवल, जो हमारी किडनी है वो डू नॉट रीअब्सॉर्ब द एक्सेस सब्सटेंस। तो हमारी किडनी कभी भी एक्सेस सब्सटेंस यानी कि अधिक अधिक ज़्यादा जो भी चीज़ एक्स्ट्रा है उसे रीअब्सॉर्ब नहीं करती है, बट इंस्टेड द एक्सेस अपीयर्स इन द यूरिन। जो भी चीज़ हमारी बॉडी में ज़्यादा है वो हमारे यूरिन में के थ्रू पास आउट हो जाती है, यूरिन में यूरिन चेकअप होता है उनसे पता चल जाता है, ठीक है। थस थ्रू द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट एंड अदर एक्सेस, इसीलिए जो रिमूवल होता है नाइट्रोजन वेस्ट का और अदर एक्सेस जो भी सब्सटेंसेस है फ्रॉम द ब्लड एंड थ्रू द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड सॉल्ट्स, किडनीज प्ले एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन मेंटेनिंग होमियोस्टासिस। होमियोस्टासिस हमारे जो है इन सबको मेंटेन करके रखता है जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। देखिए गाइस किडनीज है, किडनीज में क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किडनीज है, इनमें ब्लड प्योर होता है। ब्लड प्योर होने के बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, ठीक है, यूरिया वगैरह जो हमारी बॉडी में बना है उसे भी एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, ठीक। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी हो, एक्स्ट्रा आपने शुगर बहुत ज़्यादा ले ली है वो आपकी यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाती है, तो वो सब ये देखिए ये जो बारीक बारीक से आपको दिखाई दे रही है वेसल्स से रेड कलर की, ये क्या होते हैं गाइस, ये यूरेटर कहते हैं हम इन पाइप्स को। यूरेटर से होता हुआ ये जो नीचे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे हम रेड कलर की, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें यूरिन स्टोर हो जाता है। जब ये यूरिन से फिल हो जाता है तब ये प्रेशर आता है और उसके थ्रू फिर बाद में बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है यूरिन। तो गाइज ये यूरिनरी ब्लैडर हुआ, ये जो इसके क्या हुए गाइज अभी मैंने आपको बताया है, यूरेटर हुआ और ये दो किडनीज हैं, इन सब से मिलकर ही क्या बनता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। तो गाइज याद रखिएगा, बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।